छात्रों, आज आप कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल का पहला पाठ भारत आकार और स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत के बारे में कि भारत है क्या। भारत विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। यह दुनिया का एक ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर है, जिसको हम हिंद महासागर के नाम से जानते हैं। भारत को और कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे भारतवर्ष, इंडिया, आर्यावर्त, हिंदुस्तान आदि। अब अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो पाएंगे क्या कि पूरे विश्व में भारत का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 7वां स्थान है। पहला स्थान रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा चीन, पांचवा ब्राजील, छठवां ऑस्ट्रेलिया और 7वां भारत का है। अगर हम आबादी की बात करें तो आप पाएंगे कि भारत का विश्व में चीन के बाद आबादी में दूसरा स्थान है। इन 30-40 वर्षों में भारत में कृषि और उद्योगों के क्षेत्रों में काफी विकास हुआ है, बहुत ही तेजी से विकास हुआ है। अब ये देखिए, आपके सामने विश्व का मानचित्र है। विश्व के मानचित्र में आप देखेंगे कि भारत भी एक विशाल देश की तरह अपना परचम लहरा रहा है। इसको एशिया का उपमहाद्वीप माना जाता है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य में हिमालय और हिंद महासागर के बीच स्थित है। अब अगर हम भारत के आकार की बात करें तो हम पाएंगे कि भारत का आकार चतुष्कोणीय है। इसके कुल भूभाग का लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। भारत उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीन वलित पर्वतों से घिरा हुआ है। भारत के पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। भारत की स्थलीय सीमा कच्छ, जो कि गुजरात के अंतर्गत आता है, इसके रण से शुरू होकर पूर्व में म्यांमार सीमा तक तथा उत्तर में जम्मू कश्मीर से दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला हुआ है। इसकी मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई लगभग 6100 किलोमीटर है, जबकि अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप समूह सहित भारत की तटीय सीमा की लंबाई लगभग 7516 किलोमीटर है। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर आता है। अब हम भारत की भौगोलिक स्थिति के महत्व के बारे में समझते हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत एक विशाल देश है। इसका विशाल आकार और दक्षिण एशिया में महत्वपूर्ण स्थिति जैसे कई कारक हैं जो इसकी भौगोलिक स्थिति को महत्वपूर्ण बताते हैं। भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण सिरे पर स्थित हिंद महासागर भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत का करीब 1600 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र हिंद महासागर में फैला है। यूरोप, अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया के देशों को पूर्वी देशों जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया और चीन के साथ जोड़ने वाला पार महासागरीय जलमार्ग भारत के नजदीक महासागर से गुजरता है। इससे भारत के व्यापारिक संबंध और प्रगाढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं।
फिर प्रायद्वीपी भारत तीन ओर से सागरों से घिरा हुआ है। इसकी पूर्वी और पश्चिमी तट रेखाएं न सिर्फ सपाट हैं बल्कि विस्तृत भी हैं, लेकिन इनके महत्वपूर्ण पत्तन भी स्थित हैं। ये पत्तन भारत को अतिरिक्त व्यापारिक मुनाफा उपलब्ध कराने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। अब भारत और विश्व के बारे में हम समझते हैं, भारत तथा विश्व के बारे में। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य स्थित है। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य स्थित है। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर के कारण ही भारत को केंद्रीय स्थिति प्राप्त है। दक्षिण का पठार महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से व्यापारिक व राजनयिक संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं। भारत का दक्षिण एशिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। भारत की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ लगती हैं, उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ हैं। दक्षिण में समुद्र पर पार हमारे पड़ोसी दो द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। भारत और श्रीलंका के मध्य छोटी समुद्री रास्ता, जिसको कि हम पाक जलसंधि तथा मन्नार की खाड़ी के नाम से जानते हैं। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। भारत की स्थली सीमा पर उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, सेंटर में भारत, उत्तर में नेपाल, उत्तर पूर्व में भूटान तथा पूर्व में बांग्लादेश मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप की रचना करते हैं। भारत और पाकिस्तान के मध्य निर्धारित सीमा लगभग 1120 किलोमीटर लंबी है। इसको हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। राजस्थान, गुजरात, पंजाब तथा जम्मू एवं कश्मीर राज्यों की सीमाएं भारत को पाकिस्तान से अलग करती हैं। भारत की उत्तरी सीमा चीन, नेपाल तथा भूटान देशों से मिलती हैं। यहाँ हिमालय पर्वत श्रृंखला प्राकृतिक सीमा पर निर्धारण करती है। भारत और चीन की मध्य सीमा को हम मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं, जो सिक्किम राज्य से म्यांमार की सीमा तक लगभग 4248 किलोमीटर लंबी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड राज्यों की सीमाएं चीन से मिलती हैं। पूर्व की ओर भारत की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। इसके सीमांत पर पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम राज्य स्थित हैं। म्यांमार और भारत के मध्य हिमालय की अराकान योमा पर्वत श्रृंखला है। इस सीमांत पर अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम राज्य स्थित है। अरब सागर में मिनिकाय, लक्षद्वीप एवं अमीन द्वीप समूह एवं बंगाल में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। तो कहने का मतलब, भारत के पांच राज्यों की सीमाएं चीन से लगती हैं, पांच राज्यों की सीमाएं नेपाल से, चार राज्यों की सीमाएं भूटान, चार राज्यों की सीमाएं पाकिस्तान, पांच राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश, एक राज्य की सीमा अफगानिस्तान जो कि जम्मू कश्मीर है, और चार राज्यों की सीमाएं म्यांमार से।